नमस्कार साथियों, आप लोग देख रहे हैं वीआईपी न्यूज टुडे। आखिर मंत्री जी का पद क्यों गया? मंत्री जी के विधायक भाजपा में क्यों गए? क्या कभी आप लोगों ने सोचा है ऐसा क्यों हुआ है? चलिए इस वीडियो में पूर्ण रूप से हम लोग डिस्कस करेंगे इस विषय पर कि ऐसा क्यों हुआ। आप लोगों से भी जानना चाहूंगा कि आप लोगों को क्या लगता है कि ऐसा उनके साथ क्यों हुआ। क्या समाज के अधिकारों की बात करना गलत है? क्या समाज के लिए आरक्षण मांगना गलत है? क्या समाज के लोगों को न्याय मिले गलत है? क्या समाज के जो तालाबों पे अवैध कब्जे हैं वो समाज को मिले, ये गलत है मांग? अगर गलत है तो ऐसी गलत मांगों को निरंतर मांगा जाएगा, आप साथ रहें चाहे ना रहें। आज विधायक चला गया, पार्टी तोड़ दिया, मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया है, फिर भी संघर्ष निरंतर जारी है। वो कहते हैं ना, मांगने से भीख मिलती है, अधिकार नहीं मिलता है। अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ता है, लड़ाई लड़ना पड़ता है, और लड़ाई तब जीती जाती है जब समाज साथ होता है। तो सबसे पहले तो आप कमेंट करके बताइए कि आप साथ हैं या नहीं हैं, और ऐसा उनके साथ क्यों हुआ ये भी कमेंट करके बताइए। ऐसा क्यों हुआ आपको क्या लगता है, क्या कारण है? लोग आते रहते हैं, कार्यालय में आते रहते हैं, लोग मिलते रहते हैं सड़कों पर के बताते हैं कि मुकेश सहनी को उत्तर प्रदेश में पार्टी लॉन्च करके चुनाव नहीं लड़ना। अरे क्यों नहीं लड़ना चाहिए था भाई? आप जरा कमेंट करके बताइए क्यों नहीं लड़ना चाहिए था? जब समाज एक है, देश एक है, संविधान एक है, लोग एक हैं, पार्टी एक है, तो क्यों नहीं लड़ना? पूरे भारत में चुनाव लड़ेंगे, हमें संविधान ने ये अधिकार दिया है। फिर कहने लगे झारखंड में पार्टी लॉन्च कर दी, झारखंड में जो है पार्टी लॉन्च करके चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं लड़ना चाहिए भाई? वहाँ पर भी आप बताइए हमें, क्या झारखंड विदेश में है, अमेरिका में है, भारत में है? भाई तुम पूरे भारत में चुनाव लड़ो और हमको बोलो कि तुम स्टेट में रहो, जिले में रहो, बाहर मत जाओ, दो चार सीटें लो, समझौता करो और मंत्री पद लो। ये नहीं चलेगा क्या? चल सकता है? आप लोग बताइए, ये चलेगा नहीं चलेगा? तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि ऐसा उनके साथ क्यों हुआ है, पार्टी क्यों तोड़ा गया, मंत्री पद से बर्खास्त क्यों किया गया, भाजपा में विधायक क्यों चला गया, पार्टी बिल्कुल जीरो हो गई है, अब मुकेश सहनी क्या करेंगे, मुकेश सहनी के साथ ऐसा क्यों हुआ, ये सब आप हमें बताइए, कमेंट करके बताइए कि आप लोग क्या सोचते हैं। ये हम जानना चाहते हैं, हमारे चैनल के लोग जानना चाहते हैं। कमेंट करिए, लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को, यार आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इसको सब्सक्राइब करिए। कैसे करेंगे, क्या करना है मैं नहीं जानता, उसके ऊपर डंडा फेंक के मारिए, अंगूठा फेंक के मारिए, लेकिन वो यार रेड से ब्लैक हो जाना चाहिए, क्लिक हो जाना चाहिए, बस सब्सक्राइब कर लो यार, क्या जाता है आप लोगों का? एक बटन है, प्रेस करना है, बस हो गया काम, सारी वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहेंगी, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। डेली वीडियो वीआईपी न्यूज टुडे पर अपलोड होता है, डेली वीडियो आप लोगों को मिल रहा है, इसको सब्सक्राइब कीजिए यार। भाई सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हिम्मत कहाँ से मिलेगी? वो कहते हैं ना कि किसी जंग को जीतने के लिए समाज के लोगों की ज़रूरत होती है, मनोबल की ज़रूरत होती है, हौसले की ज़रूरत होती है, लोगों के साथ की ज़रूरत होती है, तो हर चीज़ की ज़रूरत है, हमें तो हर चीज़ आपसे चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब आप लोगों को करना पड़ेगा। और अब 2024 में लोकसभा होने वाले हैं, आगे क्या अच्छा रहेगा, क्या करना चाहिए, कमेंट करिए बताइए हमें। आप समाज के हिस्सा हैं, समाज के लोग हैं, पार्टी के लोग हैं, आप चाहते हैं समाज में परिवर्तन हो। देखिए सफलता कोई एक दिन में नहीं ली जा सकती है, सफलता के लिए संघर्ष करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। आज देखिए फुलंदेवी जी के साथ में क्या हुआ, उन्होंने संघर्ष किया, सफलता हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन वो हार नहीं मानी, संघर्ष अपना जारी रखा, और संघर्ष जारी रहने की वजह से आज देखिए पूरे दुनिया में उनको चौथे नंबर की क्रांतिकारी महिला कहा जाता है। भारत में नंबर वन, नंबर एक पर फूलन देवी आती हैं, आदर्श है हमारी। तो ये सब जानकारी हमारे पास होना जरूरी है। और देखिए सब चीज़ों की जो बातें हैं, इधर उधर की जो बातें हैं उनको छोड़िए, समाज में तरक्की कैसे हो, समाज में परिवर्तन कैसे हो, समाज मजबूत कैसे हो, समाज स्ट्रॉन्ग कैसे हो, समाज के अधिकार कैसे मिले, समाज के साथ न्याय कैसे हो, इन सब चीज़ों पे आप सब लोगों को भी सोचने की ज़रूरत है।
और हमें कमेंट करिए, बताइए कि ऐसा मंत्री जी के साथ क्यों हुआ और अब उनको क्या करना है, और अगली वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाएं वो भी आप हमें कमेंट करके बताइए। और यार एक बार फिर से कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करके, जब आप आ ही गए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करके जाइए, एक क्लिक एक बटन दबाने में आपका क्या जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, फिर मिलेंगे आप लोगों से इसी VIP News Today चैनल पर। थैंक यू।